मऊगंज पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के निर्देशन में SDOP इंद्राज सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में मऊगंज थाना प्रभारी गिरीश धुर्वे को बड़ी सफलता मिली है। मऊगंज पुलिस ने हाईवे में चलते हुए वाहनों में लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग जर्जर मार्ग या चढ़ाई वाले मार्ग से गुजरने वाले लोड वाहनों में चढ़कर सामान की लूटपाट करती थी। पुलिस ने गैंग के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी का सामान खरीदने वाले भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया सामान और नकदी के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार भी बरामद किया है, जिसमें कट्टा, चाकू, रॉड, डंडा व धारदार हथियार शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में अज्ञात बदमाश चलते हुए लोड वाहनों से सामान की लूटपाट कर रहे हैं। हाल ही में बदमाशों की गैंग ने महाराष्ट्र के नागपुर से बिहार जा रहे चना से लोड ट्रक से कई क्विंटल चना लूटने के साथ साथ ट्रक में सवार लोगों से मारपीट कर कट्टे की नोक पर नकदी रुपए भी लूटे थे। उक्त मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने पता साझे करते हुए संदेहियों की धरपकड़ की, जिस दौरान पुलिस ने एक एक कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में धीरू उर्फ धीरेन्द्र तिवारी, गोलू जीतू कोल, जीतू तिवारी, रवि प्रसाद कोल, राजीव उर्फ पल्ले रावत, सूरज दुबे सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी बहुती ओवरब्रिज के समीप चढ़ाई होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमे हो जाने का फायदा उठाकर सामान से लोड ट्रकों में चढ़ जाते थे और चलते ट्रक से सामान सड़क पर गिराकर उसे लूट ले जाते। पुलिस ने ट्रकों से लूटपाट करने के साथ लूट का सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से हाल ही में ट्रक से लूटा गया चना, नकदी रुपए सहित वारदात में प्रयुक्त हथियार कट्टा, चाकू, रॉड, फरसा व डंडा बरामद किया है। आज मऊगंज में मऊगंज थाना ने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई करी है, जो ये ट्रकों को रस्सा कटिंग करके जो एक नए तरह के वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश किया है। इसमें माल और मुलजिम दोनों मिले हैं, जिसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं। माल खरीदने वालों को भी आरोपी बनाया गया है और इस तरह से यहाँ पे एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें लगे कर्मचारियों, जो सूचना देने वाले जो हमारे जो सहयोगी थे, उन सबको उचित इनाम देने की घोषणा की। ये इनका तरीका वारदात ये था कि जब ये चढ़ाई पे जब वाहन होता था, थोड़ा स्लो हो जाता है, माल लदा रहता है, तो ये उसमें दौड़ के चढ़ जाते थे और उधर से जो रस्से काट करके जो माल रहता था उसको नीचे फेंकते जाते थे। जो मिट्टी वाला एरिया है उस झाड़ियों में फेंकते जाते थे और फिर आगे जा करके दूसरी चढ़ाई में फिर वाहन स्लो होता था, वहाँ से वो उतर जाते थे और बाद में इन सामान को वो इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि इस बार उसने देख लिया तो उसके साथ मारपीट भी कर दी, ट्रक ओनर रहा और ये, तो इसके तहत हमने इन पर बड़ी कार्रवाई करी और सबको जेल दाखिल किया।